क्या कहना चाहेंगे मैम, कैसा लगा आपको और सर के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा काम किया है लाली जी ने, कि इस समय संगीत में शोरगोल ज़्यादा दिखती है, रोमांस की बड़ी कमी है हमारी ज़िंदगी में। पहले ज़माने में देखी, इसमें देखा मैंने जो जिन्होंने नायिका की भी भूमिका निभाई, उन्होंने साड़ी पहनी है, हाँ, तो एक नायिका की भी कमी लगती है, क्योंकि रोमांस ही नहीं है तो नायिका भी कहाँ से आएगी। और 60s 70s में देखी हम हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे, मीना कुमारी जी, मधुबाला, वाइदा रामन, नूतन, फिर गाने भी ऐसे बनते थे उनके ऊपर, देखने में कितना अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वो प्रयास किया है फिर से कि रोमांस चिल्ला के नहीं कही जा सकती है, वो चुपके से ही, धीरे से ही कही जा सकती है। तो उनके उसमें मैंने वो भाव देखा, उनके गले में मैंने किशोर जी का, थोड़ा बापी लाहिरी जी का भी उस छत्र छाया में उन्होंने गाया है, बहुत सुंदर शब्द, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो पूरा टीम, क्योंकि गाना तो अकेले नहीं गाता गाया जाता, हम लोग के लग संगीत का मतलब संगीत, जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, जिन्होंने रिदम सेक्शन देखा है, वासुदेव जी, दीपंकर जी, जिन्होंने वीडियो बनाया है, मंजुल जी, सबको मैं अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए कि पूरा टीम वर्क है, और उनके साथ होने से उन्होंने ललित जी इतना अच्छा गा सके हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके हैं। तो सभी के, ललित जी के लिए खास करके, और सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएँ कि ये जो रोमांस चुपके चुपके सब लोग सुने, यंग जनरेशन सुने, तो प्यार करना भी सीख जाएंगे ज़रूर। हमें अपना क्रिएशन करना चाहिए, रिमिक्स कम होना चाहिए, तो फिर रुक जाएगा ना पानी। इमेजिनेशन के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अलग अलग क्रिएशन करना चाहिए, रिमिक्स नहीं। रोमांस रोमांस होता है कि नहीं? तो पर क्या है कि रोमांस मेरे हिसाब से हमारे हृदय में, हमारे जहन में है। तो व्हाट वी आर डूइंग, जो हार्ट बीट होता है या बीट्स होते हैं, तो रोमांस चुपके चुपके में भी चुप करके जो है ना, इसके बीट्स चलते रहते हैं। सो रोमांस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। किसी को अगर मौका मिले या किसी के जहन में अगर ऐसी बात हो, तो अल्टीमेटली क्या है कि दिल के अंदर से जो प्यार निकलता है, सी इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम लस्ट। लस्ट में क्या होता है कि वो टेम्प्रेरी होता है, किसी से आपको प्यार हो गया, कुछ हो गया, पर दैट इज़ टेम्प्रेरी। मगर रोमांस इज समथिंग ब्यूटीफुल, और वो भी जो रोमांस होता है वो होता है चुपके चुपके, मानते हैं ना? वैसे तो होता है खुल्लम खुल्ला, वो खुल्लम खुल्ला लोग कहेंगे अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मगर वो नहीं है, चुपके चुपके होता है। और उसके अंदर जो खूबसूरती होती है, मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो गुलाब का फूल, उसके अंदर से जो क्या बोलते हैं, जो पानी उस पर गिरता है, जो सेंसिटिविटी है, वो अगर कोई अंदर से फील करे, तो मेरे हिसाब से जो अंदर के जो दिल के जो तारे होती हैं, उसके वजह से बहुत ही अच्छा, और ज़िंदगी भी सफल होती है, और आप कोई काम भी करें, कुछ भी करें, हमेशा देयर इज़ अ मोटिवेशन। एंड आई थिंक एज आई सेड, मैंने अंदर भी जैसे कहा कि रोमांस जो है वो, रोमांस इज़ लाइफ, लाइफ इज़ अ रोमांस। सो आई थिंक टोटैलिटी में अगर देखा जाए तो रोमांस जो भी होता है वो होता है चुपके चुपके। हाँ, देखिए इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये गाने जो भी लिखे हैं मोहन शर्मा जी ने, उसमें वो चाहे वेस्टर्न नंबर के रूप में हो, चाहे वो मेलोडी में हो, उसमें रोमांस को बाहर नहीं होने दिया है। सबसे खूबसूरती इस एल्बम की कि सारे गानों में रोमांस ही उसका कंटेंट है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है उसकी। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस इन दिनों जो है बहुत अलग गाने बन रहे हैं, रिमिक्स बन रहे हैं, रिक्रिएट किए जा रहे गानों को, तो क्या कहना चाहेंगे सर, उससे कितने एग्री हैं आप कि क्या रिक्रिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या है, देखिए गाने ज़िंदगी में चाहे वो अब्रॉड बने या टाइप ऑफ गाने बने, बनने अच्छे चाहिए। अब जहाँ तक स्टाइल की बात है, वो ये है कि सबका अपना अपना एक क्या बोलता है, चॉइस होती है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो भजन हो। तो उसी तरीके से टाइप ऑफ म्यूज़िक जो हम लोग ने इस रोमांस चुपके चुपके में किया है, तो आजकल के म्यूज़िक के साथ ये है कि हाँ ज़रूर होता है, जैसे आजकल के गाने फेविकॉल चिपकाए हो ये सब भी, मगर उसमें भी एक अलग तरीके का रोमांस है हमारे में अंदर है। मगर अगर आप मेरी दिल की बात पूछें, तो असली में दिल को दिल में समझना हो, तो मेरे हिसाब से जैसे हम लोगों ने यहाँ रोमांस चुपके चुपके किया है, वो रोमांस चुपके चुपके टाइप के ही गाने मेरे हिसाब से बैठते हैं। और उस हद तक मैं कहूँगा कि जैसे यू नो म्यूज़िक डायरेक्टर्स लाइक प्रीतम एंड ऑल दैट, उन्होंने तो जैसे जब वी मेट फिल्म और जैसे लाइफ इज इन मेट्रो, ये सब फिल्मों में तो एक तरीके से आशिकी जो फिल्म पहले भी आ चुकी है, तो मेरे ख्याल में कि रोमांटिक टाइप ऑफ सॉन्ग्स उस तरीके से काफ़ी हद तक हैं बॉलीवुड में, तो और हर विभिन्न तरीके के गाने होते रहेंगे हमेशा,
एंड देन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है. और पर हाँ, रोमांस जो है, हमारा जो स्टाइल है वो है चुपके चुपके. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये कहना है कि मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लगा एंड सीरियसली इट्स अ नाइस वर्क. और ऑब्वियसली बात है, आपको वो देख कर भी लग रहा होगा, सबकी ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, चाहे हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने भी बहुत ही रिदमिक तरीके से एक्टर के साथ में कोलैबोरेशन बनाई है, जो कि आपको दिख रही होगी काम में. और काम में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका कि हमारे डायरेक्टर सर ने, ललित सर ने एंड इवन म्यूज़िक डायरेक्टर ने ओवरऑल ये बनाने की कोशिश की है और बनाया भी है. एंड रोमांस इज़ ऑल अबाउट दिस. रोमांस भी एक के उससे नहीं होता है, आपको पता होगा रोमांस दो लोगों के बीच में ही होता है, और उसमें बराबर का योगदान, बराबर का प्यार होता है, तभी वो रोमांस निकल कर आता है. राइट, सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरती. मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ललित सर के साथ में काम कर रही हूँ, क्योंकि इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन. एंड बहुत ही सेट पे भी बहुत ही अच्छा माहौल बनाया होता है. रीज़न क्या होता है, जब भी आप काम करते हो तो सेट का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत से चीज़ें मैंने ललित जी से सीखी एज एन एक्सपीरियंस, उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है. इवन मैंने सर से सीखी, मंजू सर से सीखी. ओवरऑल अच्छा लगा, हर दिन आपको एक सिखा कर आता है, और हर अच्छा इंसान से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है. और हमारे सेट पे सभी लोग बहुत अच्छे थे. स्टार कास्ट तो हमेशा जो डिज़र्व करता है उसको देखते ही फाइनल की जाती है. और मेरी सोच तो हमेशा ये रही है, कभी ऐसा नॉन एक्ट्रेस हो या नॉन ऐसा हो, उसको लेके मैं कभी वो नहीं रहता हूँ कि वो कोई ज़रूरी है. जो भी टैलेंटेड है और उसमें फिट है उसको लिया जाता है. और अवंतिका फिट थी और उसने अपना काम भी अच्छा किया, आपने देखा ही है. ओके, थैंक यू सो मच.